देखिए, चुनाव और चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए, हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रहे हैं, और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया, और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है, उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं, और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कराहट, जो हंसी, या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए थी नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझ रहे कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है SIT?